देश के 100 स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में स्मार्ट सिटी के तहत इंदौर को एक और सौगात मिली है। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मई माह को देश भर की 100 स्मार्ट सिटीज की राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की, जिसमें इंदौर को दूसरा स्थान मिला है। इंदौर को मिले दूसरे स्मार्ट सिटी रैंकिंग शहर को लेकर निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि यह रैंकिंग एक सप्ताह में बदल जाती है। हालांकि जिस तरह से कोरोना महामारी के चलते शहर में जनता कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके कारण फिलहाल सभी प्रोजेक्ट का काम रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही शहर से लॉकडाउन खत्म होगा तो निगम की पहली प्राथमिकता स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा करने की रहेगी। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में कई सारे पैरामीटर्स हैं, उसमें फिजिकल प्रोग्रेस प्रोजेक्ट्स की, फाइनेंशियल प्रोग्रेस, बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन बनते हैं और फिर एक मैट्रिक्स के बाद ये रैंक डिसाइड होती है। तो जो अभी रैंक डिसाइड हुई उसमें हम लोगों ने बीच में कुछ पेमेंट्स किए हैं, कुछ चूँकि खाली समय था तो उस समय टीम ने बाकी सभी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करी हैं। कुछ टेंडर्स जो लाइव थे उन टेंडर्स को, जो लाइव नहीं थे उनको टेंडर्स को लाइव किया है। तो ये सभी चीज़ें भी रैंकिंग में प्लस होती हैं, तो इसी वजह से ये रैंकिंग सेकेंड पर आई। और ये बहुत ही मोबाइल रैंकिंग है, हर सप्ताह, हर फोर्टनाइटली ये चेंज होती रहती है। उद्देश्य ये है कि स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अब जैसे ही लॉकडाउन खुले वैसे वो काम शुरू हो और हम लोग प्राथमिकता पे जल्दी ये काम निपटा पाएँ। अगर ये प्राकृतिक जो आपदा चल रही, जो पैंडेमिक है, अगर ये सही ट्रैक पर चलता रहा तो ये हम लोगों की पहली जवाबदारी है।